साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत शाला दर्पण पर रिजल्ट जनरेट करने से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इस वीडियो में करने वाले हैं तथा इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधा चलते हैं शाला दर्पण पर। आप सभी विद्वान साथी हैं, आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब आपको पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ये सब कुछ आप जानते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले करते हैं शाला दर्पण को लॉगिन। शाला दर्पण को जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो इस प्रकार का होम पेज आपको मिलेगा। इस होम पेज पर हमें रिजल्ट टैब के अंदर जाना है जहाँ हिंदी के अंदर परिणाम लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा काम आपको ये करना है कि इस पर लिखा है बिंदु नंबर 3 रिजल्ट एंट्री इंस्ट्रक्शन 2022-23, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इसके एक यूजर मैनुअल खुल जाएगा। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये सारे इंस्ट्रक्शन इस पर मिलेंगे। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट नज़र आए कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। सबसे पहले इसने बताया है कि शाला दर्पण पर कक्षा 6, 7, 9 और 11 के लिए यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक और वार्षिक अंक फीड करने के लिए स्टाफ लॉगिन या फिर इसको लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करना है। और जब हम इसको लॉगिन के माध्यम से लॉगिन कर रहे होते हैं तो इसके अंदर परिणाम टैब दे रखा है और परिणाम टैब के अंदर प्रविष्टियाँ करनी है जहाँ पर लिखा होगा परिणाम प्रविष्टि 2022-23 इस प्रकार का है। मैं सीधा लॉगिन करके आपको सीधा डायरेक्ट वहीं लेके चलता हूँ। ये है परिणाम टैब, इसके अंदर यहाँ पर मिलेगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन यही है परिणाम प्रविष्टि 2022-23। आपको अपने स्कूल का रिजल्ट इस टैब के अंदर जाके अपलोड करना है। यहाँ पर प्रत्येक क्लास वाइज रिजल्ट अपलोड किया जाता है। उसके बाद आपको टैब मिलेगा रिजल्ट रीसेट डाटा 2022-23। अब ये किसके लिए यूज होता है, जब आप परिणाम शाला दर्पण पर अपलोड कर रहे होते हैं उस समय आपके विद्यार्थियों की संख्या बराबर नहीं मिले या पर डेटा सही नहीं मिले या फिर विद्यार्थी के जेंडर या जन्मतिथि से लेकर कोई भी विद्यार्थी का विवरण हो सकता है वो मैच नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ जाके रिजल्ट रीसेट डाटा में ये डाटा सिंक कर सकते हैं। ये प्रक्रिया क्या रहेगी, इस पर क्लिक करोगे तो एग्ज़ाम, अब कौन सा एग्ज़ाम है जिसके अंदर ये आपको सही नहीं दिखा रहा है उसके अंदर करोगे। जैसे आपको एनुअल एग्जाम के अंदर विद्यार्थी के डेटा सही नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप एनुअल एग्जाम क्लिक कर दिया, आप क्लास लेंगे कौन सी क्लास है, उसके बाद आपको सेक्शन और उसके बाद ये जो सेशन है पहले से यहाँ आएगा, यहाँ पर शो कर देना है। उसके बाद अगर डेटा यहाँ पर सही तरीके से फेच नहीं कर रहे हैं तो नीचे जाके यहाँ पर सिंक करना। कई बार समस्या ये होती है कि जो ऊपर डेटा है और नीचे ये रिजल्ट वाला डेटा, दोनों डेटा सही नहीं है तो फिर क्या करें, तो फिर हमें स्टूडेंट टैब के अंदर जाना है। यहाँ पर देखो कि विद्यार्थी लिखा है, विद्यार्थी के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा प्रपत्र 5, यह है विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5। इसके अंदर जाके विद्यार्थी की कोई भी सूचना है उसको आप अपडेट कर सकते हैं या अपडेट करने के बाद फिर आप वापस परिणाम टैब के अंदर जाएंगे। परिणाम टैब के अंदर जाके परिणाम प्रविष्टियाँ, उसके बाद रिजल्ट रीसेट डेटा, इसके अंदर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से डेटा रीसेट कर देंगे। अब आपके किसी प्रकार की विद्यार्थी का मिसमैच डेटा नहीं आएगा, एकदम एक्यूरेट आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने रिजल्ट की एंट्री कर दी, ये जो प्रथम टैब है, उसके बाद हमने अगर कोई त्रुटि थी तो रिजल्ट रीसेट जो डेटा है ये भी ऑप्शन हमने यूज कर लिया। लेकिन अब आगे क्या करें, ये अगला जो टैब हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2022-23 ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुलेगा जिस पे सेशन ये फ्रीज रहेगा और उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं क्लास 9th को सिलेक्ट करता हूँ, आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, उसके बाद में ए या पर मैंने लिखा। उसके बाद हमारे सामने तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो है सो स्टूडेंट, दूसरा ऑप्शन सो ग्रीन सीट और तीसरा कैंसिल। अब पहला ऑप्शन, इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके क्लास 9 के जो भी स्टूडेंट हैं उसके डेटा शो हो जाएंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार के डेटा आएंगे।
इस पेज पर आपको स्टूडेंट के जो डेटा है, विवरण है, वो आएगा और उसके बाद यहाँ पर स्टेटस आएगा। जब तक आप ग्रीन सीट पर किसी प्रकार का क्लिक नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर एन ए या नो लिखा आएगा। जब आप इसका रिजल्ट जो जनरेट रिजल्ट सीट कर देंगे तब इनके यहाँ पर ड्राफ्ट आ जाएगा और वेरीफाई रिजल्ट करने का ऑप्शन चालू हो जाएगा। इस पर जो सबसे पहला वर्क रहेगा वो जनरेट रिजल्ट सीट, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ आपको एक मैसेज बॉक्स मिलेगा जिस पर लिखा रहेगा आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड पे ओके करेंगे अब एक मैसेज आएगा रिजल्ट जनरेट सक्सेसफुली। आप इसको क्लोज कर दीजिए, आपका ये रिजल्ट जनरेट हो चुका है। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन चालू हो गए, एक हो गया ड्राफ्ट और दूसरा है वेरीफाई रिजल्ट। जैसे आप ड्राफ्ट देखेंगे कि इस बच्चे की आपको ड्राफ्ट देखनी है मार्कशीट, तो आप इस पे ओके कर दीजिए, आपके सामने बच्चे की मार्कशीट शो हो जाएगी। अब ये आपके सामने अंक शो हो रहे हैं, इसके अंदर विद्यार्थी के संपूर्ण डेटा आप एक बार चेक कर लीजिए। ये विद्यार्थी के अंक हैं जो आपने शाला दर्पण पर अपलोड किए हैं, परसेंटेज वगैरह सब कुछ इस पे आ चुका है। दो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी, एक तो रैंक और एक यहाँ पर उपस्थिति, बाकी संपूर्ण डेटा आपके सामने आ गया। अगर आपने ये चेक करके संतुष्ट हो चुके हैं कि ये रिजल्ट जो है हमारे सामने एकदम एक्यूरेट है, सही है, तो यहाँ से आप प्रिंट लेके देख सकते हैं या फिर आप यहाँ सीधे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद इसको कर दीजिए क्लोज और उसके बाद अगर आप संतुष्ट हैं तो आप इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही इस वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी तक नॉट वेरीफाई लिखा है, फिर वेरीफाइड हो जाएगा। एक बात का आप ध्यान रखें, अगर किसी विद्यार्थी का रिजल्ट वेरीफाइड कर दिया है तो फिर उसके अंकों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। न तो अंकों का संशोधन होगा, न ही विद्यार्थी के जो डेटा है, विवरण है, चाहे नाम हो, चाहे विद्यार्थी की जन्मतिथि हो, चाहे जेंडर हो या और कोई विवरण, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इसलिए आप पहले ड्राफ्ट अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। हम इस ड्राफ्ट को पहले चेक कर लेते हैं, रजिस्टर से मिलान कर दिया और फिर हम संतुष्ट हो गए कि ये वाक्य में एकदम एक्यूरेट है। दो चीज़ आपको मैंने पहले ही बताई, एक तो रैंक और एक उपस्थिति इसके अंदर अभी फिलहाल नहीं मिल रही है। ये जब रिजल्ट लॉक होगा तो 2 तारीख को ये सब कुछ इस पे आ जाएगा, आप निश्चिंत रहे। अब जैसे मैं इस रिजल्ट से संतुष्ट हूँ, वेरीफाइड कर दिया मैंने रजिस्टर से मिलान कर दिया, ओके है, तो फिर आप वेरीफाई रिजल्ट पर क्लिक करिए। जैसे ही वेरीफाइड रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा मिलेगा वेरीफाई रिजल्ट करने से पूर्व अंकों की गणना, विद्यार्थी व माता पिता का नाम, जन्मतिथि जांच लेवे, वेरीफाई करने के पश्चात अनवेरीफाई किया जाना संभव नहीं है, ये स्पष्ट लिखा है, इस पर आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने आ गए रिजल्ट वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। इस विद्यार्थी का डाटा यहाँ से वेरीफाई होने के बाद इस प्रकार से आ गया। अब आपके सामने ये दो ऑप्शन गायब हो चुके हैं, जनरेट रिजल्ट यानी अब आप जनरेट रिजल्ट कर ही नहीं सकते, उस विद्यार्थी का कुछ भी नहीं कर सकते आप, और इधर वेरीफाई करने का ऑप्शन, ये दोनों चले गए हैं। अब एक तो यहाँ पर ग्रीन कलर के अंदर वेरीफाइड लिखा मिलेगा, एक यहाँ पर प्रिंट रिजल्ट लिखा हुआ मिलेगा। अब आपके सामने जो मार्कशीट आएगी उस पे शाला दर्पण का वाटरमार्क आएगा, ये देखिए आपके सामने जैसे प्रोसेस करके आगे गए, अब ये शाला दर्पण की मार्कशीट है, ये वेरीफाइड है और इसके अंदर विद्यार्थी का संपूर्ण डेटा आ चुका है। इस प्रकार से ये एक संपूर्ण प्रक्रिया है रिजल्ट को जनरेट करने का, रिजल्ट को वेरीफाई करने का। और अगर आप जैसे रिजल्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ड्राफ्ट यहाँ पर ड्राफ्ट देखा, ड्राफ्ट देखने के बाद आपको लगा कि इसके नाम में कोई ना कोई करेक्शन है, मुझे इस नाम के अंदर संशोधन करना है, या फिर आपने यहाँ जो अंकों की एंट्री की है उसके अंदर मिस्टेक हो गई है, अंकों को पुनः फिल करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके सामने जो ये ड्राफ्ट मार्कशीट है इसको वापस क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप परिणाम के अंदर यहाँ जाएंगे, परिणाम प्रविष्टियाँ, यहाँ पर परिणाम प्रविष्टियाँ के अंदर जाके वापस उसका रिजल्ट अपलोड करेंगे। जैसे इस सब्जेक्ट के अंदर उसके अंक गलत थे, तो जैसे मैंने ये एनुअल एग्जाम सेलेक्ट किया, शो करने के बाद यहाँ पर अंक आ गए। अगर कोई मिस्टेक हुई तो मैंने यहाँ अंक उसके बढ़ा दिए या घटा दिए, जो भी किया, और उसके बाद यहाँ पर सेव ऑल का ऑप्शन है,
आप उसको सेव ऑल कर दीजिए। उसके बाद वापस परिणाम टैब के अंदर जाना है। परिणाम टैब के अंदर परिणाम प्रविष्टियां, परिणाम प्रविष्टियां के अंदर जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट, इसके अंदर जाओगे। परिणाम प्रविष्टि के अंदर वापस वही आपको प्रक्रिया अपनानी है और सेक्शन को करते हुए वापस 100 स्टूडेंट पे जाना है। जैसे 100 स्टूडेंट पे जाओगे आप, वापस क्या करना पड़ेगा आपको, जनरेट रिजल्ट सीट। अगर ड्राफ्ट देखोगे तो वो पुराना वाला ही वापस आपको नजर आएगा। अगर जो भी आपने कोई करेक्शन किया है, चेंज किया है, चेंज करने के बाद वापस आपको इस पे आना है और जनरेट जो रिजल्ट लिखा है उस पे क्लिक करना है और वापस उसको जनरेट करना है। तब जाके आपने जो भी करेक्शन किया है वो करेक्शन यहाँ शो होगा। उसके बाद आप इसके रिजल्ट को वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही वेरीफाई करेंगे इस प्रकार का ग्रीन लिखा हुआ आ जाएगा और ये दोनों ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएंगे, केवल मात्र प्रिंट रिजल्ट सीट लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन, शो ग्रीन सीट, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने आपकी जितनी भी रिजल्ट सीट है वो सारी आपके सामने प्रेजेंट हो गई हैं, शो हो गए हैं। आप इनके चेक एक साथ भी कर सकते हैं, साथ में एक साथ प्रिंट लेने का ऑप्शन भी है, आप इनका प्रिंट लेकर भी चेक कर सकते हैं। ये ग्रीन सीट है और वो पहले जो आपने देखी वो मार्कशीट है। कई साथी पूछते हैं कि ग्रीन सीट और मार्कशीट में क्या फर्क है, दोनों एक जैसी तो नजर आ रही है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। मार्कशीट के अंदर विद्यार्थी प्रपत्र उनके रिकॉर्ड के लिए देते हैं घर पे, लेकिन ग्रीन सीट है ये स्कूल के रिकॉर्ड के संधारण के रूप में ये प्रपत्र स्कूल में फाइलिंग किया जाता है। बाकी मार्कशीट और ग्रीन सीट के अंदर एक जैसे विवरण, एक जैसा डेटा, एक जैसी इसकी सकल सूरत है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब साथियों इसको कर देते हैं क्लोज। आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन, ये कैंसिल का मतलब होता है जैसे ये क्लास 9th है, आपको और कोई क्लास को यहाँ देखना है तो पहले इसको कैंसिल करना पड़ता है। हमने इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर सारे ऑप्शन चले गए, वापस क्लास का डेटा लेने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हमने क्लास 7 लिया, उसके बाद उसका सेक्शन फिल किया, सेक्शन फिल करने के बाद वापस वही प्रक्रिया, सबसे पहले 100 स्टूडेंट इस पे जाएंगे, इस पे जाके देखेंगे तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जनरेट रिजल्ट करना है। जैसे ही जनरेट रिजल्ट करोगे तो यहाँ पर विद्यार्थी का रिजल्ट जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर एने लिखा है वह नॉट वेरीफाई आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर वेरीफाइड ग्रीन के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। कक्षा 6 और 7 के लिए यहाँ ड्राफ्ट देखने की सुविधा नहीं दी है। यहाँ पर आपको मिलेगा 100 ग्रीन सीट, आप ग्रीन सीट देखकर इनके रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको जाना है 100 ग्रीन सीट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट की ग्रीन सीट एक साथ ही प्रेजेंट हो चुकी है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस पर विद्यार्थी के डेटा आप चेक कर लीजिए, जब आप संतुष्ट हो जाए तब ही वेरीफाई करना है। फिलहाल इसके अंदर RKS MBK के अंक शो नहीं हो रहे हैं। अब ये अंक क्यों नहीं शो रहे हैं ये भी शाला दर्पण ने स्पष्ट कर दिया है कि आप इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। आप वेरीफाइड करेंगे 2 तारीख को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उस समय RKS MBK के जो अंक है वो इसके अंदर ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। बाकी इस ग्रीन सीट के अंदर सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, केवल मात्र RKS MBK के अंक अपडेट होने हैं। सभी विद्यार्थियों के डेटा आप चेक कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर यहाँ से क्लोज करके आप यहाँ से डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से वेरीफाई करोगे तो फिर ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर ग्रीन कलर में वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। यही प्रक्रिया है क्लास 6, 7 और 9th और 11th के लिए। अब हम देखते हैं क्लास 4th के लिए क्या प्रक्रिया है। क्लास 4th के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो फिर हमें कहाँ जाना है क्लास 4th के लिए, तो इसी परिणाम टैब के अंदर आप परिणाम प्रविष्टियाँ वाला जो टैब है उसके अंदर जाओगे। नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा सेमेस्टर असेसमेंट एसे एंट्री, आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पर क्लास 3rd, 4th और 5th ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। हम चल रहे हैं क्लास 4th पर। क्लास 4th के अंदर सेक्शन ए लिया, उसके बाद 100 स्टूडेंट पे गए। यहाँ पर आपके SA1, SA2, SA3 इनके अंक आपके अगर फिल हो चुके हैं तो इस प्रकार से राइट का निशान आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही लॉक पर क्लिक करेंगे
इस प्रकार का मैसेज आएगा, स्टूडेंट लॉक फॉर ऐसे रिजल्ट, और आपको क्लोज कर देना है। अब इस स्टूडेंट के डेटा लॉक्ड हो चुके हैं, अब इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। अब अगर किसी विद्यार्थी का डेटा अगर गलती से यहाँ पर लॉक हो चुका है तो उसको अनलॉक करने का ऑप्शन क्या हो सकता है? फिलहाल ये ऑप्शन अभी अपने स्कूल टैब पर ही दिया हुआ है, जबकि ये हमेशा CBO लॉगिन पर रहता है, लेकिन इस बार स्कूल टैब के अंदर ही दे दिया है। और वो कहाँ है? परिणाम टैब के अंदर ही, परिणाम पृष्ठ के अंदर जाओगे तो यहाँ लिखा है अनलॉक समस्टिव असेसमेंट ऐसे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ क्लास लिखने का ऑप्शन आएगा, जैसे मैंने क्लास 4th लिखा और फिर सेक्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पर यस किया। मैंने केवल मात्र एक स्टूडेंट के डेटा को लॉक किया था, इसलिए एक एंट्री यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और अनलॉक कर दूंगा। जैसे ही मैंने अनलॉक किया, यहाँ से डेटा हट चुका है। वापस हम परिणाम टैब के अंदर जाएंगे, परिणाम पृष्ठ के अंदर जाएंगे और समस्टिव असेसमेंट ऐसे एंट्री के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सो स्टूडेंट करेंगे, तो यहाँ पर वापस ऑप्शन आ चुका है। इस स्टूडेंट का आप एंट्री एक बार चेक कर लीजिए, ही लॉक करना है। तो सबसे पहले हम इसका चयन कर रहे हैं, कौन सा ऐसे ले रहे हैं, ऐसे 3rd ले रहे हैं कि इसकी एंट्री हुई या नहीं हुई है। उसके बाद इसका सब्जेक्ट ले रहे हैं, हमने इसका सब्जेक्ट लिया पर्यावरण, क्योंकि हिंदी गणित और अंग्रेजी का तो RKS MBK के तहत आकलन हुआ था और SA1 इस प्रण अध्ययन के अंदर हुआ था, तो हमने इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। फिर गो पे गए, जैसे गो पे गए यहाँ उसके अंक फिल करने का ऑप्शन मिल गया, यहाँ कक्षा स्तर कौन सा है वो फिल किया और ग्रेड कौन सा है वो फिल किया। उसके बाद हमें यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो इसके जो डेटा है वो सबमिट हो जाएंगे। वापस बैक जाना है, यहाँ पर आ चुके हैं। आपको जिसके डेटा फिल करने हैं उसके आप कर सकते हैं। आपने यदि संपूर्ण डेटा देख लिया है तो आप इनको लॉक कर दीजिए। इसी बातें क्लास 3rd के लिए हम देख लेते हैं। क्लास 3rd के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी एक बच्चा यहाँ पर लॉक किया है। अगर ये सही है तो ठीक है, अगर इसमें अगर कोई त्रुटि आपको नजर आ रही है तो इसको अनलॉक भी किया जा सकता है, वो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार से क्लास 3rd, 4th, क्लास 6, 7, क्लास 9th, क्लास 11th, इन सभी का रिजल्ट किस प्रकार से शाला दर्पण पर अपलोड करना है और किस प्रकार से उनका रिजल्ट प्रोसेस करना है और किस प्रकार से ग्रीन शीट जारी करनी है तथा अंत में किस प्रकार से रिजल्ट को वेरीफाइड करते हुए और लॉक करना है और अंत में मार्कशीट निकालनी है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। इसके अनुसार आप वर्क करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।